हेलो भाई, सो वेलकम बैक टू नदर वीडियो। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो जो है भाई वो स्मार्टफोन्स के ऊपर से होने वाली है। बेस्ट रेंज, बेस्ट मतलब 15,000 के अंदर में आपको ऐसे स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो आपको मतलब चाहिए और आप जरूर ले सकेंगे। और जब लेंगे ना ये भाई, क्योंकि 15,000 के अंदर है तो ईजिली आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर भाई स्मार्टफोन अब इससे लो रेंज में क्या लेंगे आप, ठीक है? तो 15,000 के अंदर अब जब ये स्मार्टफोन्स आप लेंगे ना, इन चार में से कोई सा भी, श्योरली बोल सकता हूँ कि आप कभी नहीं पछताने वाले। और पर्सनली यूज़ किए हैं, पर्सनली एक्सपीरियंसड है, मैंने यूज़ किए, मेरे पास थे या मेरे फ्रेंड्स के मैंने चलाए, कुछ मतलब भाई कुछ रिलेटिव्स के, मतलब मैं बता देता हूँ, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कूल मोबाइल फ़ोन हैं। और जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, अपन देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग में ठीक वर्क करते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम स्पेंड होता है तो उनका भाई कैमरा क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन इसका कोई भी कैमरा क्वालिटी डाउन नहीं होने वाला है, ये आपको जैसे थे वैसे ही मिलने वाले हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी हमेशा रहेगी, ठीक है? और जो इनका कैमरा है भाई, इनका मेगापिक्सल आपको शायद कम लगे, लेकिन आप जब इनको आप यूज़ करेंगे ना, आप जब आए ना तो आप एक बार क्लिक करके देखिएगा फोटो है, आप किसकी फ्रेंड पे हो तो आप क्लिक करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं। मतलब इनकी फोटोग्राफी मतलब फुल अच्छी लगती है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है? और गेमिंग के लिए भी ये मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हैं तो गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन अच्छे हैं, और आप बिजनेस यूज़ के लिए चाहते हो तो ऑफ तो भाई फिर आपके लिए बेस्ट है ही, ठीक है? और आपको मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स हैं, कौन कौन से मैंने टॉप फोर में मोबाइल फ़ोन्स को रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं इस लिस्ट के बारे में बात करूँ तो भाई सबसे पहले मैंने इस लिस्ट में नाम रखा है Realme 9i का, ठीक है? अब आप बोलेंगे भाई Realme 9i क्यों? क्योंकि भाई आप पहले इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए, ठीक है? इसकी फोटोज देख लीजिए आप, इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए, इसकी फोटो देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद ना गाइस, अब आप खुद बताइए कि ये है कैसा, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स जो आपको शायद ठीक लगे, ठीक है? सबसे पहला भाई इसका लुक देखिए आप, लुक इसका बहुत अच्छा है, वेट ठीक है, फिक्स है, मतलब जितना होना चाहिए मोबाइल का एक वेट उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, फिक्स है, ठीक है? 5G फोन है, ठीक है? और इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? मेरे पास है अभी एक फ़ोन एक्स्ट्रा में, ठीक है? तो भाई इसे आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और सेकंड नंबर पर मैंने रखा है जो कि गेमिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये फ़ोन, ठीक है? ये अगर आपको गेमिंग के हिसाब से ये बेस्ट सबसे फ़ोन है, उसका नाम भाई Poco M5। इसकी डिटेल्स आप देख लीजिए आप स्क्रीन पे, ठीक है? इसकी डिटेल देख लीजिए, इसका जो आपको लुक वगैरह देखना है आप देख लीजिए। स्लिम है, अच्छा है, ठीक है भाई, थोड़ा अब वेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा मोबाइल है, ठीक है? बहुत अच्छा मोबाइल है और आपको इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं, और जो जो आपको चाहिए रहता है कि नॉर्मल स्मार्टफोन में वो आपको मिले। और इस पर लिस्ट में नंबर 3 पे जो एप्लीकेशन मैंने रखा है उसका नाम है भाई Narzo 50। ये मोबाइल फ़ोन भाई मेरा पर्सनली फेवरेट है, सच बोल रहा हूँ, इन मोबाइल्स में से, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो मतलब कि प्रोसेसर है, इसका गेमिंग फीचर्स है, इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है एक, ठीक है, बहुत अच्छी है। और अब इस लिस्ट में मैं आपको नंबर 4 पे बता दूँ, लास्ट जो मेरा मोबाइल फ़ोन है और जिसको मैंने इस लिस्ट में रखा हुआ है भाई, आप यूज़ किए होंगे आपने मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा किए होंगे, लेकिन लोग बोलते हैं रेडमी के ख़राब होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन इसके भाई बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोनस हैं, पर्सनली बोल रहा हूँ। इसका नाम है भाई Redmi 11, ठीक है? काफ़ी अच्छा मोबाइल है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हद तक अच्छा मोबाइल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। जैसे कि आप, मैं स्पेशली बता दूँ, आप किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बेस्ट मोबाइल है, नहीं करता भाई लैग, ऐसा लैग वगैरह कोई इशू नहीं आता है, लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं पर नहीं आता है ऐसा कोई इशू, ठीक है? इस मोबाइल में तो नहीं आया, ठीक है? और कुछ कुछ सेट्स ख़राब हो जाते हैं मोबाइल्स के, लेकिन ये सेट बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना? मतलब कि भाई इस ये मॉडल ही ना भाई बहुत अच्छा बना है, वर्जन ही अच्छा है, इसकी जो क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी, प्रोसेसर इसका, मतलब फ्यूचर प्रोसेसर भी अच्छा है, मतलब कि आगे चल के भी आपको कोई इशू नहीं देने वाला है, और ये स्मूथ वर्क करेगा विदाउट हैंग एरर, लाइक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप इसको बिना डरे ले सकते हैं। और अगर आप 15,000 के अंदर मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको भाई ज़रूर 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 से एडवाइस करूँगा कि भाई आप इन्हीं में से लीजिएगा भाई, श्योर भाई मेरी गारंटी आप कभी नहीं पछताने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा ये वर्क करने वाले हैं, ठीक है? कैमरा से लेके हर चीज़ से लेके ये अच्छी क्वालिटी आपको देने वाले हैं, ठीक है? और इसकी भाई स्टोरेज वगैरह आपने सब पढ़ी ली होगी स्क्रीन पे,
तो इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था स्मार्टफोन्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।